Hey everybody, this is Brajesh here और आप देख रहे हैं CABA Infoventry। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं या डिबेंचर या बॉन्ड आपने ले रखे हैं अदर देन जीरो कूपन बॉन्ड्स, डेट में इंक्लूड हो जाएंगे डेट म्यूचुअल फंड, चाहे आपका लिक्विड फंड हो या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड या थीम बेस्ड फंड्स या फिर बैंक वाले स्पेशल फंड्स हो या उसके अलावा गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड बॉन्ड्स या ETF एक्सेट्रा। बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो कि जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि उस पर इंटरेस्ट 0% होता है। उनकी ट्रेडिंग तो डिस्काउंट पर होती है, लेकिन जब उनकी एक्सपायरी होती है तब आपको उसका प्रिंसिपल अमाउंट रिडेम्पशन पर फुल वापस मिलता है। तो मैं आज आपसे बात करूंगा इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की टैक्सेबिलिटी के बारे में, इनकम टैक्स के अंदर उसकी बारीकियों के बारे में, जिससे कि आप उसको जान सकें और अपनी टैक्स लायबिलिटी करेक्टली और ऑप्टिमली डिसाइड करके पे कर सकें और जो भी आपको डिडक्शन या एग्जेम्पशन अंडर इनकम टैक्स इस बारे में अवेलेबल है उनका पूरा फायदा आप उठा पाए। अब मैं पहले बात कर रहा हूं इक्विटी शेयर्स के बारे में या म्यूचुअल फंड्स जो कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं उनके बारे में। इनके लिए ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तभी माना जाएगा। सबसे पहले आपको गेन तो होगा ही, तभी तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो शॉर्ट टर्म क्या होता है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब आपने जब से बाय किया है, जिस डेट को बाय किया है, कोई भी इक्विटी शेयर हो सकता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो सकता है, तो बाय करने के एक साल के अंदर यानी के 12 महीने के अंदर, परचेज करने के यानी के लेस देन वन ईयर, अगर आप उसको होल्ड करके सेल कर रहे हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कीजिए आपने कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड खरीदा 20 मार्च को और उसको 25 अप्रैल को सेल भी कर दिया, तो अभी आपकी होल्डिंग पीरियड एक साल से कम की है, इसलिए जो भी आपको गेन होगा इस सेल पर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 15% प्लस एप्लीकेबल सेस एंड सरचार्ज। एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि अगर आपको 2,00,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उस पर आपको 30,000 रुपए टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं डेट के केस में क्या होगा। अगर आप डेट फंड, डिबेंचर या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनके लिए टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये 12 महीने ना होकर के 36 महीने होता है, यानी के एक साल ना होकर 3 साल होता है। अगर मान के चलो आपने बाई किया और उसको सेल कर दिया विद इन 3 ईयर्स, तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और मैं आपको बताऊं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सबसे ज्यादा खतरनाक रहता है डेट स्कीम के अंदर, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर हाई इनकम अर्नर्स लाइक HNI मींस हाई नेटवर्थ अर्नर्स लाइक यू। आप लोग नेचुरली 30% टैक्स लैब में होंगे, तो आपको बहुत सारा टैक्स भरना पड़ेगा इसके ऊपर, सरचार्ज वगैरह जोड़ने के बाद। तो अगर आप डेट फंड, डिबेंचर या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमारा आपको यह सजेशन होगा कि आप इसको कम से कम 3 साल तक जरूर रखिए अपने पास या होल्ड कीजिए, यानी कि 36 महीने तक होल्ड करने के बाद ही उसे सेल कीजिए, ताकि आपको सिर्फ 20% टैक्स देना पड़े ना कि 30%, और साथ में आपको इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा बिकॉज तब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। लेकिन जो लोग लोअर टैक्स लैब में हैं, उनको इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, क्योंकि वे 5%
या 10% या 15% टैक्स पे करके ही इसमें से निकल जाएंगे अगर उन्होंने न्यू लोअर टैक्स स्ट्रक्चर को ऑफ किया हुआ है तो। यहां पर मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप अगर स्ट्रेटेजिकली चलना चाहते हैं तो जो लोग HNI यानी के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं या जो हाई इनकम ग्रुप के रिच पर्सन हैं, तो वे अपने डिबेंचर्स, डेट फंड्स या बॉन्ड्स को 3 साल या उससे ज्यादा होल्ड करने के बाद ही सेल करें, जिससे कि उनको 20% का टैक्स लगे और उसके साथ ही इंडेक्सेशन का भी फायदा मिल जाए। लेकिन जिनका बेसिक टैक्स रेट बहुत ही कम जाता है, लाइक 5% या 10% है, और वो न्यू इनकम टैक्स लोअर स्लैब के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स को ऑप्शन दिया है, क्योंकि वे दोनों में से कोई भी स्कीम, चाहे पुरानी ज्यादा टैक्स रेट वाली हो या नई स्कीम जिसमें लोअर टैक्स रेट है, उसको ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू लोअर टैक्स रेट स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो टैक्स स्लैब आपका 5% से शुरू होता है। तो अगर आप 5% या 10% टैक्स स्लैब में हो तो आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5% या 10% टैक्स पे करके ही निकल सकते हो, विच विल बी ए बेनिफिशियल ऑप्शन फॉर यू। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म की इक्विटी और डेट फंड की होल्डिंग ड्यूरेशन की डेफिनेशन अलग अलग है। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से नीचे है तो वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर वह आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल या उससे ऊपर होता है तो इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट किया जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल, आपने कोई परचेज करी इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की 15 मार्च 2020 को, यानी 15 मार्च 2020 को, और उसको सेल कर दिया 20th अप्रैल 2021 को, तो ऐसे केस में ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, जिस पर कि आपको 10% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इसका होल्डिंग पीरियड आपका 1 साल से ज्यादा का है। अप्रैल 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्कुल एग्जेम्प्ट होता था टैक्स से, और उस पर आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ता था, चाहे आप कितना ही पैसा उस पर कमा लें। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक भी पैसा टैक्स ना दो और लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से, और उस पर एक पैसा भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, इसके ऊपर भी टैक्स लगा देते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी पहले 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन 1 लाख के ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है अपने इक्विटी शेयर्स की सेल पर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर। तो अब अगर आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है इक्विटी पर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर, तो पहले 1 लाख रुपए छोड़कर बाकी के 1 लाख रुपए पर आपको 10% के हिसाब से 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के केस में लॉन्ग टर्म गेन तब हो जाता है जब वे आप 12 महीने या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं। हालांकि इस केस में इंडेक्सेशन का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलता है। इंडेक्सेशन क्या होता है उसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब अगर बात करें डेट फंड की, डिबेंचर्स की या बॉन्ड्स की, तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है कि अगर आप उसे 36 महीने या उससे ज्यादा होल्ड कर रहे हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अगर आपको उस पर परचेज की डेट से 36 महीने के बाद सेल करने पर प्रॉफिट
या गेन होता है तो उस पर आपको 20% के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपको इन बॉन्ड्स को 36 महीने से ज्यादा होल्ड करने के बाद भी सेल करने पर आपको लॉस हुआ तो उस लॉस को आप अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यहां पर आप ये ध्यान रखिए कि इसको आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं, ना कि और किसी इनकम के अगेंस्ट में। यहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अब सपोज कीजिए आपको दिल्ली में एक फ्लैट है जिसे आपने 2 करोड़ रुपए में बेचा, जिसको आपने आज से तकरीबन 20 साल पहले सपोज कीजिए 20 लाख रुपए में खरीदा था। तो इस केस में अगर हम ये माने कि आपको इंडेक्सेशन का फायदा नहीं होता तो आपका कैपिटल गेन वुड हैव बीन 2 करोड़ इज योर सेल वैल्यू माइनस 20 लाख इज योर ओरिजिनल कॉस्ट, तो गेन हुआ 1 करोड़ 80 लाख का। तो बहुत बड़ा गेन आया, ये देखकर आप बहुत खुश हुए। लेकिन जब आपने अपने सीए से बात करी तो आपको बहुत ज्यादा दुख होने लगा, क्योंकि आपके सीए ने आपको बताया कि आपको बहुत सारा इनकम टैक्स देना पड़ेगा इस गेन के ऊपर। दोस्तों, अपनी सरकार ने एक अच्छी बात जरूर करी आपके लिए। सरकार ने बोला कि ठीक है, आपने ये जो फ्लैट खरीदा था वह तो आपने आज से 20 साल पहले खरीदा था, तो 20 लाख रुपए तो आपकी 20 साल पहले की कॉस्ट है। उसी प्रॉपर्टी का आज क्या वैल्यू होगी, सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ CLI, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो अब हम इस प्रॉपर्टी की आज की इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विच इज डिक्लेयर्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर एवरी ईयर। तो मान के चलिए कि उसी 20 लाख रुपए की इंडेक्स कॉस्ट आज हो जाती है 60 लाख रुपए। जी हां, 60 लाख रुपए। तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा 2 करोड़ माइनस 60 लाख, दैट इज ऑन 1 करोड़ 40 लाख ओनली। यस, ऑन ओनली 1 करोड़ 40 लाख का मतलब यह हुआ कि आपको अब 1 करोड़ 80 लाख की जगह सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख रुपए के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंडेक्सेशन फॉर यू, है ना फायदे वाली बात। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिए, इस इंडेक्सेशन का फायदा आपको डिबेंचर या बॉन्ड्स की सेल के केस में नहीं मिलेगा, सिर्फ डेट फंड की सेल के केस में ही मिलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द इंडेक्स कॉस्ट। इस इंडेक्स कॉस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको एक और मंत्र दे दिया इंडेक्सेशन का, तो आपको इंडेक्सेशन का भी फायदा लेना चाहिए। और उसके लिए आप अपने कंसल्टेंट या सीए या एडवोकेट, जो भी आपका इनकम टैक्स का रिटर्न तैयार करता है, उसको बताइए और इंडेक्सेशन का फायदा जरूर लीजिए। इससे आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा, अगर नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन अगर डिसलाइक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक मुझसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसे एक अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे भी मिलेगी और मेरे व्यूअर्स को भी मिल पाएगी। आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है, जो मुझे लगता है बिल्कुल आ सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो तक आ गए हैं, बाकियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी और हमारी है, तो वो हमें जरूर करनी चाहिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक
मैं सिंप्लीफाई करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल CABA Infoventry पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि आप इसको कंसीडर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सके और हम और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय बाय।